नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गीकनोसेंट। और आज इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च किए गए दो न्यू फोन्स यानी Xiaomi Redmi 4 और Infocus Turbo 5। ये फोन्स रिसेंटली ही लॉन्च किए गए हैं और इन फोन्स का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन फोन के स्पेसिफिकेशंस काफी मिलते जुलते हैं और इन फोन्स में काफी दम है अंडर 7000 और अंडर 8000 या 9000 के प्राइस में। और ये फोन एक दूसरे को काफी टक्कर देती है और अगर ये दोनों फोन आपके सामने रख दिए जाए तो आप भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस फोन को पिक करें और किस फोन को नहीं। सो आज इस वीडियो में बड़े डिटेल में इन दोनों फोन्स के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ हर तरीके से, चाहे वो प्रोसेसर हो, वो डिस्प्ले हो, बिल्ड क्वालिटी हो, या फिर रैम हो, या प्राइस हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे मैंने ये कंपैरिजन किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स के प्राइस के बारे में। सो टर्बो 5 और Xiaomi Redmi 4, ये दोनों ही फोन 2GB रैम और 3GB रैम दो वेरिएंट्स में आते हैं, जहां टर्बो 5 की 2GB रैम की कीमत 6999 रुपीज है, जहां आपको 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं Xiaomi Redmi 4 की 2GB रैम वेरिएंट की कीमत भी 6999 रुपीज है, जहां आपको 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। रही बात 3GB रैम वेरिएंट की, तो टर्बो 5 आपको सिर्फ 8000 रुपीज के प्राइस में मिल जाता है, जहां Redmi 4 के लिए आपको 9000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और दोनों ही फोन में इंटरनल स्टोरेज सेम है यानी 32GB 3GB रैम वेरिएंट के लिए। सो अगर प्राइस के मामले में देखी जाए तो 3GB रैम वेरिएंट की कीमत जो है Xiaomi Redmi 4 की ज्यादा है, बट 2GB रैम वेरिएंट की कीमत दोनों फोन की सेम है। सो प्राइस के बाद अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो टर्बो 5 में आपको 5.2 इंच का स्क्रीन मिलता है, जहां आपको मिलती है 720p रेजोल्यूशन 2.5D कर्व्ड ग्लासेस के साथ और 282 पिक्सल पर डेंसिटी के साथ। बट उसी जगह Xiaomi Redmi 4 में आपको सिर्फ 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, जहां आपको 2.5D कर्व ग्लासेस देखने को मिल जाती है 720p रेजोल्यूशन के साथ और 296 PPI के साथ। तो अगर डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्बो 5 में आपको एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है Xiaomi Redmi 4 के। सो डिस्प्ले के बाद अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जहां दोनों फोन्स में आपको मेटल शाइनिंग बॉडी देखने को मिल जाती है। तो चलिए इन दोनों फोन्स के लुक्स को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा प्रीमियम लुकिंग फोन है। सो अगर लुक्स के बारे में देखे जाए तो दोनों ही फोन अपने अपने जगह में बहुत एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर। वहीं Redmi 4 में आपको थोड़े बेजल्स देखने को मिल जाते हैं टॉप और साइड्स में भी, बट टर्बो 5 में आपको सिर्फ टॉप में बेजल्स देखने को मिलते हैं। बैक और फ्रंट साइड से दोनों फोन काफी प्रीमियम लुकिंग है और साइड से अगर सिर्फ देखी जाए तो दोनों ही फोन काफी स्लिम देखने को मिल जाते हैं। सो लुक्स के मामले में भी ये दोनों फोन काफी टक्कर देते हैं एक दूसरे को। सो फ्रेंड, बिल्ड क्वालिटी के बाद अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है। सो टर्बो 5 में आपको 1.3 GHz MediaTek का MT6737 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं Redmi 4 में आपको 1.4 GHz Snapdragon 435 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि MT6737 और Snapdragon 435 दोनों ही चिपसेट एक MediaTek का है, एक Snapdragon का है, बट दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बस 19-20 है, यानी बहुत कम डिफरेंस है दोनों के परफॉर्मेंस में। बट Qualcomm Snapdragon में जो आपको यूजर इंटरफेस थोड़ा अच्छा मिलेगा और दोनों के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि Qualcomm Snapdragon 435 परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ आपको एक अच्छा सपोर्ट देगा। सो अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही फोन 2GB रैम और 3GB रैम वेरिएंट के साथ आते हैं और दोनों ही फोन में 2GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 3GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। सो अगर एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात की जाए तो Xiaomi Redmi 4 में आपको ज्यादा एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को मिलता है, जहां आप 128GB तक दोनों ही वेरिएंट ऑफ फोन यानी 2GB 3GB दोनों ही आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, बट टर्बो 5 में आपको सिर्फ 32GB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है 2GB रैम वेरिएंट के लिए, और 3GB रैम वेरिएंट को आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 32GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी टोटल 64GB तक आप उसे एक्सपेंड कर पाएंगे। सो इसके बाद अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट
फेसिंग कैमरा मिलता है। बट अगर इमेज की बात की जाए तो टर्बो 5 में आपको इमेज क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों ही फोन में आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो यहां पर शॉकिंगली आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है टर्बो 5 में। जी हां दोस्तों, यहां आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जहां आप अपने टर्बो 5 से दूसरे फोन्स को भी इजीली चार्ज कर पाएंगे। बट ऐसी कोई फैसिलिटी Redmi 4 में आपको देखने को नहीं मिलती है। बात करें अगर स्टैंड बाई मोड की तो टर्बो 5 34 डेज तक स्टैंड बाई मोड में रह सकता है, साथ ही 2 डेज का हैवी यूसेज बैकअप, 50 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक, 23 आवर्स का वीडियो कॉलिंग बैकअप आपको यहां देखने को मिल जाता है। जबकि Xiaomi Redmi 4 में आपको सिर्फ 4100 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ 18 डेज तक स्टैंड बाई मोड में रह सकता है, और यहां पर 87 आवर्स की म्यूजिक प्लेबैक आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही 15 आवर की वीडियो कॉलिंग बैकअप, 14 आवर की GPS नेविगेशन और 36 आवर की नॉर्मल कॉलिंग बैकअप। सो बैटरी के मामले यहां पर टर्बो 5 की परफॉर्मेंस आपको यहां पर ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। कैमरा के मामले में भी टर्बो 5 ही यहां पर विन करता है। और अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन की तो यहां आपको देखने को मिलता है 7.0 नूगट का सपोर्ट टर्बो 5 में, जबकि Xiaomi Redmi 4 में आपको सिर्फ मार्शमेलो यानी 6.0 ही सपोर्ट देखने को मिलता है। सो फ्रेंड, अगर दोनों फोन की स्पेसिफिकेशंस देखी जाए तो ये दोनों फोन एक दूसरे को काफी हद तक कम्पीट करते हैं। सो मेरे हिसाब से मैंने इन दोनों फोन्स के जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस थे वो आपके सामने रखे, और आप अब खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों फोन्स में कौन सा बेटर फोन है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं एंड्रॉइड 7.0 नूगट के साथ तो आप टर्बो 5 के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए एक एक्सपेंडेबल मेमोरी वाली फोन तो आप यूज कर सकते हैं Xiaomi Redmi 4। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो दोनों फोन्स में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 435 का जो प्रोसेसर है और MT6737 जो प्रोसेसर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने बेसिकली इस पे जो रिसर्च किया है उस हिसाब से मैंने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं। सो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने अगले टेक्नोलॉजी वीडियो या फोन रिव्यू वीडियोस के साथ। एंड टिल देन, लव योर geek।